वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमने अपना मैट्रिक्स है जो वो ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है। देखो हमारा जो माइनस में आंसर आया था वो वाई ए का आया था। वाई ए की जो हमने लूप चलाई हुई है वो ये चलाई थी, यहां से शुरू किया था वाई ए, डब्ल्यू ए पे गया था, फिर डब्ल्यू बी पे, फिर आया था वाई बी पे। ठीक है, पेंसिल वाली जो लूप है ना, ये आप देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना होता है, हमने माइनस वाले साइंस देखने होते हैं। माइनस वाले साइंस जहां से शुरू किया, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस के आपके पास 31 है और माइनस के 77 है। माइनस के 31 और माइनस के 77 में से लार्जेस्ट कौन है, माइनस के 31। ठीक है, तो हम इसको चूज कर लेंगे। तो जो हमने जहां पे हमारा माइनस का साइन है वहां पे माइनस कर देंगे, जहां पे प्लस का साइन है वहां पे प्लस कर देंगे। तो एलोकेशन आपने ये नहीं लेनी 56 16, ये पहले वाली है, आपकी फाइनल ये है 31 25 41 41 एंड 77। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब हमारी नई एलोकेशन क्या होंगी। तो ठीक है, ये देखो 31 में से 31 चले गए, तो यहाँ पे एलोकेशन क्या हो जाएगी, खत्म। ये 41 है, ये इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया था, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 41 ही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे 31 ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 77 है, पहले 77 में से 31 माइनस करोगे तो 46 आ जाएंगे। ठीक है, तो 24 वाले को कुछ भी नहीं दे के रखा, यहाँ पे 25 था पहले, 25 में जब आप 31 ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 56। 25 प्लस 31 तो 56 आ गया। और कौन सी एलोकेशन है हमारे पास, ये वाली 41। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये होगी हमारे पास कंप्लीट। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, मैं पहले वाली दिखा दूं आपको। 31 25 41 41 77, ये वाली 41 को हमने यूज नहीं किया था, इस वाले लूप में ये चार ही यूज हुई थी, ये 41 भी नहीं यूज हुआ था। ये वाला कॉर्नर, ये 31 वाला, 25 वाला और 77 वाला, यही यूज हुआ है। जहां पे प्लस का साइन है वहां पे 31 प्लस हो जाएंगे, जहां पे माइनस का साइन है वहां पे 31 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है अपनी एलोकेशन दे दी, ये वाला 41 और ये वाला 41, इसको हमने कुछ भी नहीं किया है, ये वैसे का वैसा ही है, ये हमने चेंज करी है। 31 यहाँ पे था, यहाँ आ गया, यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 56 हो गया, यहाँ पे 77 था, यहाँ पे 46 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी नई एलोकेशन आई है। अब हमारी कॉस्ट हम देखेंगे कि कॉस्ट कितनी आती है, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बनती है। 16 × 41 प्लस 8 × 56 प्लस 8 × 31 प्लस 16 × 46 प्लस 16 × 41, 1 2 3 4 5 जो जो एलोकेशन दे के रखी है हमने उसको नोट डाउन कर लिया। 41 वाली आ गई, 56 वाली आ गई, 31 वाली आ गई, 46 वाली आ गई एंड 41 वाली आ गई। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया 2744। ठीक है, तो आपकी पहले वाली कॉस्ट देखो कितनी थी, 3624, फिर कॉस्ट आई 2968, फिर कॉस्ट आई आपके पास 2868, अब कितनी आई 2744, कॉस्ट और ज्यादा रिड्यूस हो गई ना। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी कॉस्ट को क्या कर लेना है, रिड्यूस कर लेना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ या नहीं, अभी और आगे चलेगा या नहीं चलेगा, वही वाला मेथड लगाना है। ये जो आपके अनऑक्यूपाइड सेल्स है ना, 4 हो गया, 8 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू सी, एक्स बी, हाय दिखाई तो दे ही नहीं रहा आपको, सॉरी, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू सी, एक्स बी एंड वाई सी, ये वाले जो हैं, यहां पे आप दोबारा से लूप चलाओगे।
ठीक है, लूप चला के देखोगे, इसी तरह से रिजल्ट निकालोगे। अगर सारे पॉजिटिव और जीरो आते हैं तो इसका मतलब आपका ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, इससे कॉस्ट को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। अगर नहीं आते तो फिर कंटिन्यू चलते रहो जब तक ये पॉजिटिव और जीरो नहीं आ जाते। तो चलो लूप चलाते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं यहां से, डब्ल्यू ए से गया वाई ए पे, क्योंकि यही रास्ता है सिंपल। ये यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से एक लूप चल गई। फिर हमारा ये है डब्ल्यू सी है, और रास्ता बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? एक्स सी पे आएगा, एक्स सी के बाद एक्स ए पे आएगा, एक्स ए पे आने के बाद वाई ए पे आएगा, फिर एक्स बी पे आएगा, सॉरी वाई बी पे, फिर डब्ल्यू बी पे। नहीं, यहां से इसको यहीं से टर्न लेना पड़ेगा, रुको, हाँ फिर यही, ये इधर ही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले जो पहले वाली चलाई है ना उसको नोट डाउन कर लेते हैं, पहले वाली को। ठीक है, तो पहले वाली है आपकी डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए से शुरू किया था, माइनस वाई ए पे गए, फिर प्लस के साइन के साथ वाई बी, फिर डब्ल्यू बी। ठीक है, इनकी वैल्यूज ले लो, 4 माइनस 8 प्लस 16 माइनस के 8, इसको सॉल्व करके आ गया प्लस के 4। ठीक है, अब हमने ये वाला सेल चलाना है डब्ल्यू सी, डब्ल्यू सी जाएगा एक्स सी पे पहले, एक्स सी से एक्स ए पे, एक्स ए से वाई ए, वाई ए से वाई बी, वाई बी से डब्ल्यू बी, फिर यहां देखो इस तरह से चलेगा ये। मैं भी पागल हूं, दिखाई दे नहीं रहा स्टूडेंट्स को और अकेली बोली जा रही हूं। यहां पे आया, फिर यहां पे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, अपने होम सेल पे पहुंच गया। यहां से शुरू किया था प्लस का साइन, यहां आया था माइनस, यहां आया था प्लस का साइन, फिर यहां आया था माइनस का साइन, फिर यहां आया था प्लस का साइन, फिर यहां गया था माइनस का साइन, फिर वो अपने होम सेल पे पहुंच गया। ठीक है, आई होप ये वाली लूप आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लेते हैं। डब्ल्यू सी, डब्ल्यू सी से शुरू किया था, एक्स सी पे गया, एक्स सी से होके एक्स ए पे आया, एक्स ए से होके वाई ए पे, फिर वो गया वाई बी पे, फिर वो गया डब्ल्यू बी पे। ठीक है, ये वाली सारी हमने ये वाली लूप चलाई है। अब इसकी वैल्यूज नोट डाउन कर लो, 16, 16, 8, 16, 8। एट, सिक्सटीन, सिक्सटीन, एट, सिक्सटीन, एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो रिजल्ट आया हमारा प्लस के 8। अब कौन सा बचा है हमारे पास सेल? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला बचा है ना, तो इसकी लूप सिंपल चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी सिंपल, जैसे मर्जी चला लो, इधर से चलाना इधर से चला लो। ठीक है, तो क्योंकि इसके आसपास तीन सेल ऑक्यूपाइड है, अब ये वाला देखो, इसकी भी सिंपल चल जाएगी क्योंकि इसके आसपास भी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, चलो पहले एक का देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे का देखेंगे। सेल कौन सा है? एक्स बी, लूप चलाएंगे एक्स बी से वाई बी, फिर वाई ए, फिर एक्स ए। ठीक है, एक्स बी ये वाला, फिर एक्स ए, यहां से चलो एक मिनट, एक्स बी यहां नीचे आ गया,
अरेज करके, पर फिर ना मजा नहीं आएगा अरेज करके। यहाँ वाई बी पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर होम सेल पे, ठीक है। इस तरह से लूप चलाइए, प्लस माइनस प्लस माइनस, एक्स बी से वाई बी, वाई बी से वाई ए, फिर एक्स सी, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज में डन कर लेते हैं, 16, 16, 8, 16, 24, जैसे जैसे वैल्यूज हैं वैसे वैसे लिख लेते हैं, 24, 16, 8, 16, सॉल्व करके आ गया जीरो। अब हमारे पास एक ही सेल बाकी है, वो ये है YC। YC कैसे चलेगा? YC चलेगा XC पे, ठीक है। XC पे होके ही आएगा XA पे, XA पे होके आएगा ये YA पे, YA से सीधा होम सेल घर पे, क्योंकि यहां से शुरू कर, सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वाला अनऑक्युपाइड सेल है, ठीक है। तो यहां से शुरू किया, यहां आया, यहां आया, फिर यहां, फिर यहां, सिंपल वाली लगेगी। कौन सा पेन चलाऊं? और कोई कलरफुल पेन भी नहीं रहा। ये है, ये वाला सेल है, यहां से शुरू किया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, फिर अपने होम सेल पे पहुंच गया। इसके ऊपर से क्रॉस कर जाना है उसने, ठीक है। प्लस, यहां से शुरू किया, प्लस का साइन, माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, तो ये प्लस का आ गया। तो वैल्यूज आएंगे आपकी 24, 16, 16 और 8, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये अपनी लास्ट वाली लूप चलाई है। सेल कौन सा है हमारा? वाई सी, ठीक है। वाई सी से शुरू किया था, एक्स सी पे गए, फिर एक्स ए पे गए, फिर वाई ए पे गए। वैल्यू है इनकी 24, 16 प्लस 16 माइनस के 8, इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास प्लस के 16। थैंक गॉड, आंसर आपका आ चुका है। प्लस के 4 है, प्लस के 8 है, फिर 0 है, फिर प्लस 16 है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे ज्यादा कॉस्ट को और रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ये जो आंसर आया है आपके पास, यही आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। कौन सा वाला? ये वाला 2744। इससे ज्यादा कॉस्ट को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो आपने एलोकेशन दे के रखी हैं, 56, 41, 41, 31 एंड 46, ये आपकी फाइनल है। इससे ज्यादा कॉस्ट को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे वैल्यू हैं, रिजल्ट्स हैं, वो पॉजिटिव और जीरो आ चुके हैं। तो दिस इज योर ऑप्टिमम सॉल्यूशन। कॉस्ट कितनी आई है, आंसर कितना आया है आपके पास? 2744। तो सबसे पहले कितना था? 3624। 3624 से हम रिड्यूस करके कहां पे लेके आ गए हैं? 2744 पे लेके आ गए हैं, ठीक है। तो दिस इज योर ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इससे ज्यादा कॉस्ट को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। नीचे आप एक लाइन लिख सकते हो, तो हमारी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ये है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस मेथड को अच्छे से समझ लिया है। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो जो मैंने अनजाने में की हो, अनजाने में ही होती हैं, तो उसके लिए पहले से सॉरी, ठीक है। तो अगर आपका कुछ फीडबैक है, वैल्यूएबल फीडबैक ऑलवेज वेलकम है। आप कुछ एडिशन करना चाहते हो या कुछ भी सुजेशन देना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम है, आप दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे मोटिवेट कीजिए। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में।